बड़ी बड़ी बीमारियों को भी चाट जाएंगी ये सिर्फ दो पत्तियां। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे चमत्कारी पौधे के बारे में बताएंगे। दोस्तों, इस पौधे के पास आपके शरीर की हर तरह की बीमारी का इलाज है। ये पौधा आपके शरीर को बिल्कुल निरोगी बना सकता है। बस आपने करना क्या है, इस पौधे की दो पत्तियों को सुबह खाली पेट चबाकर खाना है और ऊपर से हल्का गुनगुना पानी पीना है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस पौधे की बात कर रहे हैं वह है गुड़मार का पौधा। दोस्तों, गुड़मार के पौधे को आयुर्वेद में बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और दोस्तों खासकर इसकी पत्तियों को, क्योंकि इसकी पत्तियों का प्रयोग करके आप बहुत सारी बीमारियों का लाइलाज कर सकते हैं। इसका उपयोग अस्थमा, आंखों की समस्याएं, अर्थराइटिस, कब्ज, माइक्रोबाइल संक्रमण आदि के उपचार में भी किया जाता है। दोस्तों, डायबिटीज रोग के लिए तो ये एक वरदान है। वैसे भी डायबिटीज की देसी दवाई के रूप में गुड़मार बहुत अधिक प्रचलित है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं गुड़मार के चमत्कारी फायदों के बारे में कि कैसे गुड़मार आपके शरीर की बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर सकता है। उसके बाद आपको बताएंगे कि आपने इस गुड़मार के पौधे का प्रयोग करना कैसे है, इसके पत्तों का प्रयोग आपने करना कैसे है। गुड़मार है डायबिटीज का देसी इलाज। दोस्तों, गुड़मार में कुछ एंटी एथ्रोलोरोटिक गुण होते हैं जिससे यह धमनियों में वसा के जमाव को रोकता है। इसके अलावा गुड़मार रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में भी बहुत अधिक मददगार है। गुड़मार का सेवन लिपिड की मात्रा को कम करने में भी मदद करता है। गुड़मार का सेवन टाइप 2 डायबिटीज में बहुत अधिक फायदेमंद है। गुड़मार की पत्तियों में ऐसे गुण होते हैं जिससे मीठा खाने की तलब कम होती है। साथ ही इसमें टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित व्यक्तियों में हाइपरग्लाइसेमिया नियंत्रित होता है। इस तरह यह टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत अधिक कारगर है। और दोस्तों, वैसे भी आजकल डायबिटीज के मरीज बहुत अधिक बढ़ते ही जा रहे हैं, इसलिए यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तब आपको गुड़मार की पत्तियों का हर रोज सेवन करना चाहिए, जिससे कि आप अपनी शुगर लेवल को तो कंट्रोल रखेंगे ही, साथ में इसके कारण होने वाली और भी बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। कोलेस्ट्रॉल के लिए, रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत अधिक बढ़ने से हृदय रोग का जोखिम बढ़ जाता है। इसे कम करने के लिए दुनिया भर में गुड़मार का उपयोग होता आया है। गुड़मार हानिकारक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करने में आपकी मदद करता है। गुड़मार में कुछ एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो हानिकारक कोलेस्ट्रॉल और आंतों में ट्राइग्लिसराइड के अवशेषण से बचाते हैं। इसके अलावा यह ब्लड शुगर के स्तर को कम करने और मीठा खाने की तलब को रोकने में भी बहुत अधिक लाभकारी है, जिससे वसा का अवशोषण और लिपिड स्तर प्रभावित हो सकता है। अधिक वसा वाले आहार को लेकर चूहों पर किए गए एक अध्ययन के अनुसार गुड़मार वजन कंट्रोल रखने और लीवर पर वसा के जमाव को रोकने में मदद करता है, जिससे आपको कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने में मदद मिलती है। और दोस्तों, यदि आपका कोलेस्ट्रॉल सही होगा तब ना तो आपको हार्ट ब्लॉकेज की समस्या होगी और ना ही आपको हार्ट अटैक के आने का डर रहेगा, यानी कि आप इन दिल की बीमारियों से बचे रहेंगे। ब्लड प्रेशर, दोस्तों हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप से भारत में 20 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। यह एक महत्वपूर्ण समस्या है जिससे स्ट्रोक, दिल का दौरा, हृदय रोग, हृदय गति रुकना, किडनी का काम करना बंद करना, अन्य गंभीर बीमारियां पैदा हो जाती हैं। हाई ब्लड प्रेशर के सामान्य लक्षणों में गंभीर सिरदर्द, मतली, उल्टी, नाक से खून बहना आदि शामिल है। यदि इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखाई दे तब आप गुड़मार का प्रयोग करें। गुड़मार में जिम्नेमिक नाम का एसिड होता है जो हमारे शरीर में मौजूद एक प्रोटीन एजियोटेसिन की गतिविधि रोकने में मदद करता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम करने में हमें मदद मिलती है। लीवर को सही रखने के लिए गुड़मार से बने पूरक पदार्थ लीवर की सुरक्षा के लिए टॉनिक का काम करते हैं। दोस्तों, तमिलनाडु में आज भी जो जनजातियां हैं वो पीलिया के इलाज के लिए इस गुड़मार की पत्तियों का ही उपयोग करती हैं, क्योंकि इसमें लीवर को ठीक करने के गुण होते हैं। यदि आप गुड़मार की पत्तियों का लगातार प्रयोग करते हैं तो इससे आपका लीवर मजबूत होता है और आपको लीवर की बीमारी से छुटकारा मिलता है। और दोस्तों, लीवर हमारे शरीर का इंजन है। यदि वो सही तरीके से काम करेगा तब आपका पूरा शरीर ही
सही तरीके से काम करेगा। गुड़मार रखें आपकी त्वचा को स्वस्थ। गुड़मार में बैक्टीरिया रोधी गुण होते हैं जिनका उपयोग त्वचा विकारों और संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है। डायबिटीज में ऐसी परेशानियां होना एक आम बात है। गुड़मार का प्रयोग त्वचा पर सफेद दाग के प्राकृतिक उपचार के तौर पर भी किया जाता है। इसका उपयोग सौंदर्य सामानों को बनाने के लिए भी किया जाता है। यदि आप अपनी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को रोकना चाहते हैं जिससे कि आपके चेहरे पर झुर्रियां ना आए और आपका चेहरा खिल उठे, तब आपको गुड़मार की पत्तियों का हर रोज सेवन करना चाहिए जिससे कि आपकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया रुक जाएगी और आप पहले से जमा दिखाई देंगे। दोस्तों, आप 60 की उम्र में भी 20 के लगोगे यदि आपके चेहरे पर झुर्रियां नहीं आएंगे और आपका चेहरा दमकता रहेगा। वजन घटाने में मददगार। मोटापा शरीर में चर्बी और कार्बोहाइड्रेट जमा होने के कारण होता है। डायबिटीज से पीड़ित लोगों में मोटापा अनुवांशिक और आम होता है। डायबिटीज, जिम्नेमिक एसिड और मोटापे के बीच में संबंध है। कुछ शोधों में पाया गया कि गुड़मार के अर्क से मनुष्यों में वजन कम करने में मदद मिलती है। गुड़मार डायबिटीज कम करने में उपयोगी है। 3 सप्ताह तक किए गए एक अध्ययन से पता चला कि जिन चूहों को गुड़मार का अर्क दिया गया उनका वजन कम हुआ। गुड़मार में मौजूद जिम्नेमिक एसिड रक्त में शर्करा का अवशोषण कम कर देता है। यह मीठा खाने की तलब भी कम करता है जो मोटापे से पीड़ित लोगों की एक आम समस्या है। इसके अलावा एक अन्य अध्ययन के तहत 60 लोगों को गुड़मार के अर्क का सेवन करने से वजन को कम करने में मदद मिली। गुड़मार की पत्तियां गठिया रोग में सहायक। गुड़मार गठिया जैसी बीमारियों का इलाज करने में भी बहुत अधिक कारगर है। कई मरीजों को इसके सेवन से बहुत अधिक लाभ मिला है। इससे गठिया उबरने से रोकने में मदद मिलती है। इससे जलन सूजन कम करने वाले गुण भी इसके अंदर होते हैं। दोस्तों, यदि आप भी गठिया के दर्द से या शरीर के अन्य दर्द से परेशान है तब आपको गुड़मार की पत्तियों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि आप गुड़मार की पत्तियों का सेवन करके अपने इन सभी तरह की बीमारियों का इलाज कर सकते हैं और अपने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों गुड़मार के बहुत सारे फायदे हैं। जैसे यदि आप अपने पाचन को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने पाचन को मजबूत बनाना चाहते हैं, कब्ज, गैस और एसिडिटी जैसी बीमारियों से बचे रहना चाहते हैं, तब भी आपको गुड़मार का सेवन करना चाहिए। आपको दोस्तों गुड़मार के पत्तों का सेवन करना चाहिए जिससे कि आपकी पाचन मजबूत हो और आपके शरीर की बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाएं। दोस्तों, गुड़मार को रक्त की शुद्धि के लिए भी प्रयोग किया जाता है। यदि आप अपने खून को साफ करना चाहते हैं, खून से बुरे कोलेस्ट्रॉल को दूर करना चाहते हैं, खून की एसिडिटी का इलाज करना चाहते हैं, खून की गंदगी को साफ करना चाहते हैं, तब भी आपको गुड़मार की पत्तियों का प्रयोग करना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं कि गुड़मार की पत्तियों का प्रयोग आपको कैसे करना चाहिए। दोस्तों, आप गुड़मार की 2 पत्तियां सुबह खाली पेट चबाकर खाइए और ऊपर से हल्का गुनगुना पानी पीजिए। यह है इसका सबसे सही तरीका। इसके अलावा आप गुड़मार के पत्तों का पाउडर बनाकर भी प्रयोग कर सकते हैं। गुड़मार के पत्तों का काढ़ा बनाकर भी सेवन कर सकते हैं। अब यदि बच्चे इसका सेवन करते हैं तो वो 10 से 20 ml तक ले सकते हैं। अगर बड़े व्यक्ति इसका सेवन करते हैं तो 20 से 60 ml तक इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, गुड़मार को आपको खाली पेट ही लेना चाहिए या खाने के 30 मिनट पहले आपको इसको लेना चाहिए। यदि आप खाने के बाद इसको लेना चाहें तो खाने के 1 घंटे बाद आप इसको ले सकते हैं। वैसे गुड़मार को आपको सुबह खाली पेट ही लेना चाहिए। वैसे अगर आपको जरूरत हो तो आप गुड़मार की पत्तियों का सेवन दिन में 2 बार कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके खाने के बाद गुनगुने पानी का सेवन करना चाहिए जिससे कि आपको अधिक फायदा मिले। तो दोस्तों, देर किस बात की है, आप इन 2 पत्तियों को चबाकर खाइए और अपने शरीर की बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज कर दीजिए और 100 सालों तक बिल्कुल निरोगी जीवन जिए जिससे कि आप हर तरह की बीमारी से बच रहे, आपके शरीर की इम्यून पावर रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाए और छोटी मोटी बीमारियों का इलाज आपका शरीर खुद ही कर सके। तो दोस्तों, देर किस बात की है, आप भी गुड़मार की पत्तियों का आज से ही सेवन शुरू कर दीजिए और अपने शरीर को बिल्कुल निरोगी बना दीजिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहे। धन्यवाद दोस्तों।